देवास जिले के खातेगांव में मुस्लिम समाज द्वारा खातेगांव के कब्रिस्तान में आज वृक्षारोपण किया गया। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए वृक्ष अत्यंत आवश्यक है। वृक्षारोपण हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर्यावरण को आज के दौर में वृक्षों की अत्यंत आवश्यकता है। खातेगांव मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा हर साल वृक्षारोपण किया जाता है। इस पहल को निरंतर जारी रखने के लिए समाज के लोगों ने तय किया है कि आज कब्रिस्तान में वृक्षारोपण किया जाए ताकि पर्यावरण स्वच्छ बना रहे। खास तौर से छायादार पौधे करंज, खिरनी, गुलमोहर के साथ एलोवेरा भी लगाया गया। सभी साथियों ने वृक्षों को बड़ा होने तक जिम्मेदारी ली। ये सभी वृक्ष मुस्लिम समाज खातेगांव के द्वारा लगाए गए हैं। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। भैया, वृक्षारोपण जो है आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने एनवायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए। तो इस दिशा में सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने ये तय किया और हमारे सदर साहब जनाब गोप भाई पहलवान और हमारे बाकी सभी साथी मास्टर हयात साहब है, इमरान भाई है, हसन भाई है और अपने वहीद भाई हैं, शहीद भाई मंसूरी हैं। इन सभी लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि अपने कब्रिस्तान में वृक्षारोपण किया जाए ताकि पर्यावरण के दिशा में हम संरक्षण की दिशा में काम करें। कौन कौन से पौधे लगाए गए हैं यहाँ पे आज? यहाँ पर खासतौर से छायादार पौधे करंज है, खिरनी है, पाँच चल करके लगभग 25 पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा एलोवेरा वगैरह ये पौधे भी लगाए हैं। तकरीबन 25 पौधे लगाए गए हैं और सभी साथियों ने उसकी जिम्मेदारी भी ली उसको बड़ा होने तक, साथ ही उसमें ट्री गार्ड लगाने का भी निर्णय लिया गया है। अच्छा, ये किसके द्वारा लगाए गए हैं? ये सभी हमारे मुस्लिम समाज के जो खातेगांव के लोग हैं, किस विशेष तौर से यहाँ जो अभी उपस्थित हैं उन लोगों ने और बाकी समाज जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, खासतौर से हमारे सदर साहब का भी इसमें और हमारे बाकी सभी साथी जो हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।